इस फरियाद को जो उन्होंने वजीर आजम काकर साहब के सामने रखी है उसे खराज तहसीन पेश करने के लिए अजीजी गुलमीर जमाली को बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई साहब, खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। असल में मसला ये है कि ये हमारे इलाके का बहुत बड़ा मसला है, ये पिंजरा पुल जो है, तो आपको मालूम है, आप माशाल्लाह जानते हैं सारे मीडिया वाले जी, कि हमारे इस पुल के गिरने की वजह से हमारे इलाके के लोग बेचारे बहुत ज्यादा तकलीफ में आए। तो हमने देखा कि हमारे इलाके के हमारे भाई अनवारुल हक काकड़ साहब वजीर आजम हो गए हैं, तो जानते भी हैं इलाके की मुश्किलात को जी, जी। तो सबसे बड़ा तो बलोचिस्तान का मसला इस वक्त ये ही है, ये पिंजरा पुल। अच्छा, कैसे कैसे आपके जहन में आया कि इस तरह से इस मसले को उजागर किया जाए? इस गाने को बनाने के लिए हमारा एक महीना लगा है। अच्छा। तो बैठे रहते थे, यही सोचते रहते थे कि ये पुल नहीं बनेगा जब तक हमारा जो इलाका है उसके मसले कभी भी हल नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे पहला बात तो ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो जब ट्रांसपोर्ट ही एक इलाके का रुक जाएगा तो फिर खाने पीने का वो जरिया माश का भी मसला बन जाएगा, लोग बेचारे कैसे उधर से जाएंगे और कैसे उधर को आएंगे। तो फिर हम एक महीने से ये सोच रहे थे कि किस तरह गाना बना के तो इनको पेश किया जाए। हम चाहते थे कि इत्तेजाज भी हो जाए और कानों में रस भी घुल जाए। जमाली साहब, ये आपके साथ कौन साहब है पगड़ी पहने हुए? ये आला बख्श मेरे म्यूजिशियन है। ये असल में जब हमने कोई गीत बनाना होता है, जब या कोई फंक्शन होता है, तो ये मेरे साथ आ जाते हैं। अच्छा। वरना ये अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनती आदमी है। मैं भाई साहब गांव से देसी मुर्गियां इकट्ठी करके कोयटा में देता हूँ। ये भी बताओ ना, उधर से खरीद के उधर देता हूँ, वो समझे गाँव की चोरी करके उधर दे आती हो। खरीद के लाता हूँ। अच्छा, वो जो आपने पिंजरा पुल बनाने की अपील की है वजीर आजम साहब से, हमें भी सुनाइए। भाई अला बख शुरू हो जाओ। वजीर आजम काकड़ साहब पिंजरा पुल बनाओ, वजीर आजम काकड़ साहब पिंजरा पुल बनाओ, बलोचिस्तान धरती से अपना फर्ज निभाओ, बलोचिस्तान धरती से अपना फर्ज निभाओ। पिंजरा पुल बनाओ, हमारा तकलीफ में है आवाम सारा, पाक वतन के वजीर आजम कुछ करके दिखाओ, वजीर आजम काकड़ साहब पिंजरा पुल बनाओ, वजीर आजम काकड़ साहब पिंजरा पुल बनाओ। भाई साहब, ये तो हमारा पुल का मसला है बलोचिस्तान का, वो आपके शो हस्बे आल में आए हैं हम, तो इसलिए जो बाकी हमारी पाकिस्तानी गरीब आवाम है उन लोगों के मसाइल भी पेश करते हैं। वजीर आजम काकड़ साहब कीमतें कम कराओ, वजीर आजम काकड़ साहब कीमतें कम कराओ, आए हो तो महंगाई से कौम की जान छुड़ाओ, आए हो तो महंगाई से कौम की जान छुड़ाओ, वजीर आजम काकड़ साहब पिंजरा पुल बनाओ, वजीर आजम काकड़ साहब पिंजरा पुल बनाओ। बिजली के है बिलों ने मारा, कर दिया बीबी शूट हमारा, वापडा को है मुफ्त जो यूनिट उनको बंद कराओ, वजीर आजम काकड़ साहब पिंजरा पुल बनाओ, वजीर आजम काकड़ साहब पिंजरा पुल बनाओ, वजीर आजम काकड़ साहब डॉलर नीचे लाओ, वजीर आजम काकड़ साहब डॉलर नीचे लाओ, तेल के रेट बढ़ा के हमको और न पीसते जाओ, तेल के रेट बढ़ा के हमको और न पीसते जाओ, वजीर आजम काकड़ साहब पिंजरा पुल बनाओ, वजीर आजम काकड़ साहब पिंजरा
पुल बनाओ। पहले हजार में टंकी थी भरती, अब निगला तर भी करती, मोटरसाइकिल लटा के उसको किके मारते जाओ। वजीर आजम काकड़ साहब कीमतें कम कराओ, वजीर आजम काकड़ साहब पिंजरा पुल बनाओ, वजीर आजम काकड़ साहब कीमतें कम कराओ, वजीर आजम काकड़ साहब पिंजरा पुल बनाओ, 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 वजीर आजम काकड़ साहब पिंजरा पुल बनाओ। वाह 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 वाह।